नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शराब पीने वालों के लिए नीतीश कुमार की दो टूक, बंद होने जा रहा है जॉनसन बेबी पाउडर। तेजस्वी बोले, पूरे देश में लागू होगा बिहार मॉडल। जदयू अध्यक्ष ने सुशील मोदी के जख्मों पर डाला नमक। आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंगे MS धोनी। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शराब पीने वालों के लिए नीतीश कुमार की दो टूक। शराबबंदी के बाद भी आए दिन बिहार में शराब पीने से जान जा रही है। वही बीते दिन छपटा में 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत होने की खबर आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराब पीने से होने वाली मौतों को लेकर कहा कि शराब बुरी चीज है, पियोगे तो मरोगे। शराब पीने से कई तरह की बीमारी होती है और WHO की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पियोगे तो क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी का निर्णय करने के दौरान हमने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने की कोशिश के लिए किया। सर्वे में आया है कि शराबबंदी के बाद 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ा। आज शराब नहीं पीने के कारण राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। हर घर तिरंगा अभियान आज से हुआ शुरू। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जो कि अगले 2 दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा। लगातार 3 दिनों तक सभी घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी दफ्तरों, स्कूलों में ध्वजारोहण किया जाएगा। सभी सरकारी, गैर सरकारी भवन, राजकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण होगा। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ मिलकर आज सुबह अपने आवास पर तिरंगा फहराया। वहीं राज्य में भी कई घर के छतों पर अब तक तिरंगे लगाए जा चुके हैं। पूर्व उद्योग मंत्री का नई सरकार पर हमला, जंगलराज आ गया है। भागलपुर समाहरणालय परिसर में बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में BJP कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व उद्योग मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव युवाओं को 1,00,000 नौकरी देने का वादा किए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि वे अपनी पहली साइन से 1,00,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि वह डिप्टी CM है। बता दें कि जदयू द्वारा BJP से गठबंधन तोड़ने के विरोध पर भाजपा नेताओं ने पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। यहां शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में फिर जंगल राज आ गया है। 2 दिनों में ही क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। अब कोई भी उद्योगपति बिहार में उद्योग धंधा नहीं लगाएंगे। रेलवे ने 12 अगस्त को पहले शिफ्ट में हुई टाइपिंग परीक्षा को किया रद्द। रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC पदों के लिए 12 अगस्त 2022 को हुई स्किल टेस्ट परीक्षा को रद्द कर दिया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार तकनीकी कारणों की वजह से कंप्यूटर आधारित स्किल टेस्ट को रद्द किया गया है। टंकन कौशल परीक्षा की दोबारा परीक्षा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए कराई जाएगी जो पहले शिफ्ट में उपस्थित थे और परीक्षा में शामिल हुए थे। RRB NTPC की इस रद्द की गई परीक्षा का समय व तिथि नियत समय पर सूचित किया जाएगा। रेल भर्ती बोर्ड ने कहा है कि SC ST अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर और तिथि व यात्रा अधिकार पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक परीक्षा से 10 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभ्यर्थी दलालों से सावधान रहें और रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट RRBCDG.gov.in देखते रहें। तेजस्वी बोले, पूरे देश में लागू होगा बिहार मॉडल। बिहार के नए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर राज्य में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की। सोनिया गांधी से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के RJD के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने के लिए फिर से BJP को छोड़ने की तर्ज में देश में उसी मॉडल को दोहराया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सरकार जनता की सरकार है, अब इसे पूरे देश में दोहराया जाएगा क्योंकि लोग बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता से तंग आ चुके हैं। नीतीश कुमार का निर्णय भाजपा की राजनीति की शैली के लिए एक तमाचा है और अपने पिछले झगड़े के आरोपों पर कहा कि हर घर में झगड़े होते हैं लेकिन हम एक ही समाजवादी मान्यताओं से हैं। राजीव प्रताप रूडी ने कहा, नीतीश कुमार को जनता सबक सिखाएगी। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने मुख्यमंत्री को पाला बदलने के उनके फैसले पर घेरा। उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में बिहार की जनता आपको सबक सिखाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि BJP नई सरकार के खिलाफ राज्य भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में सारण जिले के नगर पालिका चौक पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आज बिहार तेजी से विकास कर रहा है। सारण में लगभग 500 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। इन सबका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि हम वह काम नहीं कर पा रहे थे जो करना चाहते थे, अब गठबंधन से मुक्त हो चुके हैं और अधूरे काम को पूरा करके दिखाएंगे। अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश के आसार। बिहार में कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला बदला सा हुआ है। आसमान में बादल छाए रहते हैं और हवाओं की गति भी तेज रहती है।
ऐसा मौसम खासकर दक्षिण बिहार के इलाकों में देखने को मिल रहा है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र व भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 13 से 17 अगस्त तक के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इस अवधि में उत्तर बिहार के कई जिलों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। वहीं उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पटना यूनिवर्सिटी ने जारी किया स्नातक का थर्ड मेरिट लिस्ट। पटना विश्वविद्यालय ने आज यूजी वोकेशनल और यूजी रेगुलर का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। नामांकन 16 से 18 अगस्त के बीच होंगे, क्योंकि 14 अगस्त को रविवार है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह है। इसे ध्यान में रखकर मंगलवार से नामांकन का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय में स्नातक में वोकेशनल और सामान्य कोर्स में मिलाकर करीब 5,000 सीटें हैं। पहले लिस्ट में 2,400 और दूसरे लिस्ट में सिर्फ 500 नामांकन हुए हैं। वहीं अब तीसरे लिस्ट में 700 से अधिक सीटों पर नामांकन होना है। इसके बाद अब खाली गई सीटों पर स्पॉट राउंड के तहत नामांकन होगा। जीतनराम मांझी कुछ और दिन रहना चाहते थे सीएम। एक और जहां नई सरकार बनने पर प्रदेश भर में सियासी गहमा गहमी तेज है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि उनकी मुख्यमंत्री बने रहने की इच्छा थोड़ी अधूरी रह गई है। जहानाबाद जिले के ऐतिहासिक वानवर पहाड़ स्थित सिद्धेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में माँ अन्नपूर्णा भोजनालय चलाया जाएगा। बीते दिन इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने किया। इस दौरान जीतनराम मांझी ने कहा कि जब मैं मखदूमपुर से विधायक बना तो बाबा सिद्धेश्वर नाथ के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जितने दिन मुख्यमंत्री रहा जिले में विकास की गंगा बहाने का काम किया, वानावर पहाड़ को पर्यटन स्थल से जोड़ने सहित कई काम किए। थोड़ा समय और मिलता तो वानावर पहाड़ी इलाके को और विकसित कर देता। पूर्व विधायक संजीव झा ने कहा, सुंदरी है नीतीश कुमार। बिहार में भाजपा को छोड़कर राजद के साथ जब से नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है उसके बाद से भाजपा लगातार नीतीश कुमार के लिए नए नए नाम देकर हमला कर रही है। कभी उन्हें बलजू राम, कभी विश्वासघाती बताया जा रहा है। अब नीतीश के लिए फिर से नया नाम दे दिया गया है। सहरसा के पूर्व विधायक संजीव झा ने नीतीश कुमार की तुलना एक खूबसूरत सुंदरी से की है, जिसे लगता है कि वह किसी के भी गले से लग सकती है। पूर्व विधायक ने पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा कि आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने अपने भाषण में कहा था कि नीतीश कुमार ऐसा सांप है केचुआ छोड़कर कहीं शिफ्ट हो जाता है। अब लालू यादव बताएं कि किस सांप को गले लगाए हैं। जदयू अध्यक्ष ने सुशील मोदी के जख्मों पर डाला नमक। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमला बढ़े। एक दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा कि वह खुद अपनी पार्टी में दरकिनार कर दिए गए हैं, मेरे खिलाफ बोलकर शायद उनका कुछ भला हो जाए। वहीं मुख्यमंत्री के बाद जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी सुशील मोदी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुशील जी, आपका बयान देखकर घोड़ा चढ़ी हुआ। जिस व्यक्ति का ग्रह नक्षत्र खुद खराब हो और नीतीश जी से अच्छे रिश्तों के कारण खुद हाशिए पर ला दिए गए हों, वैसे नेता के यहाँ नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए कोई जाए, यह अपने आप में हास्यास्पद और सरासर झूठ है। क्या लिफ्ट पार्टियां महागठबंधन सरकार में शामिल होने का मन बना रही हैं? ऐसा लगता है कि सारी विपक्षी पार्टियां इस बार केंद्र से भाजपा की छुट्टी करने का मन बना लिया। एक और जहां राजद, कांग्रेस, जदयू और हम पार्टी सभी मिलकर भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, वहीं अब लिफ्ट पार्टियां इस बार महागठबंधन सरकार में शामिल होने का मन बना रही है। अगर ऐसा होता है तो पहले वाम दलों की ओर से कोई राज्य का मंत्री बन सकेगा। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई चीफ डी राजा से भी मुलाकात की है। बंद होने जा रहा है जॉनसन बेबी पाउडर। जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा निर्मित पिछले 3 दशक से बेबी पाउडर की बिक्री सबसे अधिक रही है, लेकिन अब कंपनी ने 2023 तक पूरी दुनिया में अपने बेबी टैल्कम पाउडर की बिक्री को बंद करने का फैसला लिया है। J&J का टैल्कम पाउडर अमेरिका और कनाडा में 2020 में ही बंद हो चुका है। अब कंपनी टैल्क बेस्ड पाउडर की जगह कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर बेचेगी। दरअसल दुनिया भर में दावे किए जाते रहे हैं कि इस बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा रहता है। कैंसर की आशंका वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रोडक्ट की बिक्री में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि कंपनी ने हमेशा इस पाउडर को सेफ बताया है। आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंगे MS धोनी। देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है और इस मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर कोई अपने अपने क्षेत्र में अपने तरीके से आजादी के 75वें वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है। इस कड़ी में अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम जुड़ गया है। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन वह काफ़ी कम एक्टिव रहते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर महेंद्र सिंह धोनी लंबे वक्त से कोई पोस्ट नहीं करते, लेकिन हर घर तिरंगा के खास अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया और वह छा गए हैं। इस DP वाले तस्वीर में लिखा है कि भाग्य है मेरा, मैं एक भारतीय हूँ। देशभर में आए 20,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शनिवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 15,815 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार
की बात करें तो यहाँ बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 141 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक 53 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 92,711 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 215 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है शंकर मुखिया, धनंजय सिंह, कुलदीप कुमार, रणवीर कुमार, राजीव कुमार, लक्ष्मी कुमार, सोनू कुमार, जितेंद्र राम, सतीश कुमार, मुचू रंगेला, उमेश ऋषिदेव, मैकाल मुर्मू, अजय कुमार पासवान, बिट्टू कुमार राज, ऋषिकेश शाह और श्री मुकेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।